महात्मा जड़ भरत। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी एवं भगवत भक्त राजा हो गए हैं, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाता है। अंत समय में उनकी एक मृग सावक में आसक्ति हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद मृग का शरीर मिला और मृग शरीर त्यागने पर वे उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में अवतीर्ण हुए। जड़ भरत के पिता आंगिरस गोत्र के वेदपाठी ब्राह्मण थे और बड़े सदाचारी एवं आत्मज्ञानी थे। वे सम, दम, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि गुणों से विभ्रपीत थे और तप, दान तथा कर्माचरण में रत रहते थे। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी, अतः वे फिर कहीं मोह जाल में न फंस जाए इस भाव से बचपन से ही निसंग होकर रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त, जड़, अंधे और बहरे के समान बना लिया और इसी छद्म वेश में निर्द्वंद होकर विचरने लगे। उपनयन के योग्य होने पर पिता ने उनका यज्ञोपवीत सत्कार करवाया और वे उन्हें शौचाचार की शिक्षा देने लगे, परंतु वह आत्मनिष्ठ बालक जानबूझकर पिता की शिक्षा के विपरीत ही आचरण करता। ब्राह्मण ने उन्हें वेदाध्यान कराने के विचार से पहले 4 महीनों तक व्याहृति, प्रणव और सिर के सहित त्रिपदा गायत्री का अभ्यास कराया, परंतु इतने दीर्घकाल में वे उन्हें स्वर आदि के सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ठीक तरह से नहीं कर सके। कुछ समय बाद जड़ भरत के पिता अपने पुत्र को विद्वान देखने की आशा को मन में ही लेकर इस अपार संसार से चल बसे और इनकी माता इन्हें तथा इनकी बहन को इनकी सौतेली माँ को सौंप कर स्वयं पति का महागमन कर पति लोक को चली गई। पिता का परलोकवास हो जाने पर इनके सौतेले भाइयों ने, जिनका आत्मविद्या की ओर कुछ भी ध्यान नहीं था और जो कर्मकांड को ही सब कुछ समझते थे, इन्हें जड़ बुद्धि एवं निकम्मा समझकर पढ़ाने का आग्रह ही छोड़ दिया। जड़ भरत जी भी जब लोग इनके स्वरूप को न जानकर इन्हें जड़, उन्मत्त आदि कहकर इनकी अवज्ञा करते, तब उन्हें जड़ और उन्मत्त का सही उत्तर देते। लोग इन्हें जो भी काम करने को कहते उसे ये तुरंत कर देते, कभी बेगार में, कभी मजदूरी पर, किसी समय भिक्षा मांगकर और कभी बिना उद्योग किए ही जो कुछ बुरा भला अन्न इन्हें मिल जाता उसी में ये अपना निर्वाह कर लेते थे। स्वाद की बुद्धि में तथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए कभी कुछ ना खाते थे, क्योंकि उन्हें यह बोध हो गया था कि स्वयं अनुभव रूप आनंद स्वरूप आत्मा मैं ही हूं और मान अपमान, जय पराजय आदि द्वंद्व से उत्पन्न होने वाले सुख दुख से वह सर्वथा अतीत थे। वे सर्दी, गर्मी, वायु तथा बरसात में भी वृषभ के समान सदा नग्न रहते। इससे उनका शरीर पुष्ट और दृढ़ हो गया था। वह भूमि पर शयन करते, शरीर में कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं करते थे, जिससे उनके शरीर पर धूल जम गई थी और उनके उस मलिन वेश के अंदर उनका ब्रह्मोतेज उसी प्रकार छिप गया था जैसे हीरे पर मिट्टी जम जाने से उसका तेज प्रकट नहीं होता। वे कमर में एक मैला सा वस्त्र लपेटे रहते और शरीर पर एक मैला सा जनेऊ डाले रहते, जिससे लोग इन्हें जाति मात्र का ब्राह्मण अथवा अधम ब्राह्मण समझकर इनका तिरस्कार करते, परंतु ये इसकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे। इनके भाइयों ने जब देखा कि ये दूसरों के यहां मजदूरी करके पेट पालते हैं, तब उन्होंने लोक लाज से इन्हें बान के खेत में क्यारी इकसार करने के कार्य में नियुक्त कर दिया, किंतु कहां मिट्टी अधिक डालनी चाहिए और कहां कम डालनी चाहिए इसका इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और भाइयों के दिए हुए चावल के दानों को, खल का, भूसी को, घुने हुए उड़द और बर्तन में लगी हुई अन्न की खुरचन आदि को बड़े प्रेम से खा लेते। एक दिन किसी लुटेरों के सरदार ने संतान की कामना में देवी भद्रकाली को नरबलि देने का संकल्प किया। उसने इस काम के लिए किसी मनुष्य को पकड़कर मंगवाया।
किंतु वह मरण भय से इनके चंगुल से छूटकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके साथियों ने बहुत दौड़ धूप की, परंतु अंधेरी रात में उसका कहीं पता न चला। अकस्मात देव योग से उनकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ी, जो एक टांग पर खड़े होकर हरिन सुअर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए और यह पुरुष पशु उत्तम लक्षण वाला है, इसे देवी जी को भेंट चढ़ाने से हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यह समझकर वे लोग इन्हें रस्सी से बांधकर देवी के मंदिर में ले गए। उन्होंने इन्हें विधिवत स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और आभूषण पुष्पमाला और तिलक आदि से अलंकृत कर भोजन कराया। फिर गान स्तुति एवं मृदंग तथा मजीरों का शब्द करते हुए इन्हें देवी के आगे ले जाकर बिठा दिया। तदंतर पुरोहित ने उस पुरुष पशु के रुधिर रूप मध्य से देवी को तृप्त करने के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित किए हुए कराल खड़क को उठाया और चाहा कि एक ही हाथ से उनका काम तमाम कर दे। इतने में ही उसने देखा कि मूर्ति में से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और साक्षात भद्रकाली ने मूर्ति में से प्रकट होकर पुरोहित के हाथ से तलवार छीन ली और उसी से उन पापी दुष्टों के सिर काट डाले। एक दिन की बात है, सिंधुसौवीर देशों का राजा रहुगण तत्वज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। इछुमती नदी के तीर पर पालकी उठाने वालों में एक कहार की कमी पड़ गई। दैव योग से महात्मा जड़ भरत जी आ पहुंचे। कहारों ने देखा कि यह मनुष्य हट्टा कट्टा नौजवान और गठीले शरीर का है, अतः यह पालकी ढोने में बहुत उपयुक्त होगा, इसलिए उन्होंने इनको जबरदस्ती पकड़कर अपने में शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलने में हिंसा ना हो जाए, इस भय से ब्राह्मण आगे की पृथ्वी को देखकर वहां कोई कीड़ा चींटी आदि तो नहीं है यह निश्चय करके आगे बढ़ते थे। इस कारण इनकी गति दूसरे पालकी उठाने वालों के साथ एक सरीखी नहीं हुई और पालकी टेटी होने लगी। तब राजा को उन पालकी उठाने वालों पर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डांटने लगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, यह नया आदमी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। यह सुनकर राजा रहुगण, यद्यपि उनका स्वभाव बहुत शांत था, क्षत्रिय स्वभाव कारण कुछ तमतमा उठे और जड़ भरत जी के स्वरूप को न पहचान उन्हें बुरा भला कहने लगे। जड़ भरत जी उनकी बातों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनते रहे और अंत में उन्होंने उनकी बात का बड़ा सुंदर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। राजा रहुगण भी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे। जब उन्होंने इस प्रकार का सुंदर उत्तर उन पालकी ढोने वाले मनुष्य से सुना, तब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि हो ना हो ये कोई छंदवीसधारी महात्मा है। अतः वे अपने बड़प्पन के अभिमान को त्याग कर तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े और लगे उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने और क्षमा मांगने। तब जड़ भरत जी ने राजा को अध्यात्म तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतज्ञ हो गए और अपने को धन्य मानने लगे।